राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको व्रत और पूजन के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा सुनते हैं। नवरात्रि में माता जी की स्थापना की जाती है, जुआरे उगाए जाते हैं, कोई उपवास करता है तो कोई एक समय शाकाहारी भोजन करता है, तो कोई दूध पीकर रहता है, तो कोई फल खाकर रहता है। 9 दिन तक नवरात्रि में अखंड जोत जलाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, योग माया, रक्त दंतिका, शाकंबरी, माँ दुर्गा, माँ भ्रामरी और माँ चंद्रिका, इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में माँ दुर्गा का ध्यान करके पूजन किया जाता है, कथा कही जाती है और अष्टमी के दिन 9 छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होती है, घर के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। आइए अब हम माँ दुर्गा का जयकारा लगाते हैं। जय हो माँ दुर्गा की जय। आइए अब हम कथा सुनते हैं। एक बार बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान सर्वशक्तिमान हैं, चारों वेदों को जानने वालों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा करके आप चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, इसका विस्तार से हमें वर्णन करिए। हे ईश्वर, इस व्रत का क्या फल मिलता है, किस प्रकार इस व्रत को करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, उन्हें इस व्रत का क्या फल मिला, वह सभी हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, कंचन जैसी काया प्राप्त करता है, कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है, मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है, उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर निवास करती हैं। बंध्या और काग बंध्या भी अगर इस व्रत को करे तो उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ नहीं जो सिद्ध नहीं हो सकता। हे गुरु बृहस्पति, जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है। उसका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है, वह अंगहीन हो जाता है और संतान की उसे प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य नवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं, उनके जीवन में अनेक दुख आ जाते हैं। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित रहता है, भूख और प्यास से व्याकुल हो पृथ्वी पर घूमता है, वह गूंगा और बहरा हो जाता है। अगर सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य पूरे दिन उपवास रह सकता है तो उसे करना चाहिए। अगर वह एक समय भोजन करके भी यह व्रत करता है और कथा का श्रवण करता है तो उसे नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका दूसरा इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए सुनाइए, मैं सावधान होकर ध्यान लगाकर चित्त से सुनूंगा। आपकी शरण में मैं आज आकर मैं कृतकृत्य हो गया, आज आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। तब ब्रह्मा जी बोले कि पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त
मानो ब्रह्मा की ही सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक बहुत सुंदर गुणशील सुंदर कन्या पैदा हुई। यह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई बड़ी हो रही थी। वह इस तरह से बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा होम किया करता था। जिस समय उसका पिता माँ दुर्गा की पूजा करता था वह सुमति उसकी बेटी भी वहीं मौजूद रहती थी और वह भी माँ दुर्गा की पूजा बड़े ध्यान और चित्त से करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और पुत्री से बोला कि हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ ही तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, मुझे तो इस बात पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है पर होता वही है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको उसी अनुसार कर्म फल भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है परंतु फल देना देवता के अधीन होता है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह से कन्या के ऐसे निर्भयतापूर्ण वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुश्ती के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होते हुए वह अपनी पुत्री से बोला कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, कर्म का फल तुम भोगो, देखता हूँ केवल भाग्य भरोसे रहकर तुम क्या कर लेती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति ने अपने मन में विचार किया कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा वर मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक घनघोर वन में कुशायुक्त उस स्थान पर रहने लगी और बड़े ही कष्ट में जीवन व्यतीत करने लगी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से बोली कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल को देती हूँ, क्योंकि तुमने अपने पिता के साथ मेरा विधि विधान से श्रद्धा से पूजन किया था। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मण कन्या कहने लगी कि हे माते, आप कौन हैं जो मुझ पर इतनी प्रसन्न हो, यह सब मुझे बताने की कृपा करो और आप मुझे दर्शन दो ताकि मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो सकूं। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर सभी प्राणियों के दुखों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान कर देती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ और जो तुमने अपने पिता के साथ रहकर कुछ समय तक मेरी पूजा करी मैं उससे भी प्रसन्न हूँ। मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और बड़ी ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी, चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़ कर ले गए और जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। उस समय नवरात्रि के दिन चल रहे थे। उन नवरात्रि के 9 दिनों में तुम दोनों ने न कुछ खाया नहीं पिया, इसलिए तुम्हारे 9 दिन तक नवरात्रि के व्रत हो गए। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने के लिए आई हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे हुए वचन को सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली कि हे माँ देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको मेरा प्रणाम है, कृपा करके आप मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए।
देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य तुम अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पित कर दो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और इसका शरीर सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बृहस्पति देव से आगे बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से बोली कि ठीक है माँ, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा करती हूँ। तब ब्राह्मण कन्या ने अपने उन दिनों के नवरात्रि के एक दिन के व्रत का फल अपने पति को अर्पित कर दिया, जिससे उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। उसके पति के शरीर की कांति चंद्रमा की कांति के सामने भी क्षीण हो गई। वह ब्राह्मण कन्या अपने पति की मनोहर सुंदर देह को देखकर माँ देवी की स्तुति करने लगी और बोली कि हे माँ दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त लोगों के दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध सहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ मेरा विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई कन्या मैं पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र में उद्धार किया है। हे माँ देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की आप रक्षा करो। ब्रह्मा जी आगे बृहस्पति से बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की स्तुति करी। उसकी स्तुति सुनकर देवी को संतोष हुआ और वह बोली कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय, तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वही मन वांछित वस्तु मांग ले। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न हो उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से सुनाइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा बोली कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि विधि को विस्तार से सुनाती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जिसको सुनने से तमाम पापों से मनुष्य छूटकर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना करें, वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्ति को स्थापित करके नित्य प्रति पुष्पों से पूजन करें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देवें। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य सिद्धि होते हैं, आंवले से सुख मिलता है, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से आहुति देकर यथाविधि हवन करें। खीर, खांड, घी, गेहूं, शहद, जो, तिल, भीम, नारियल, कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जो, तिल तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य को इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा, अन्न, वस्त्र और रुपया भी दें। इस महाव्रत को मेरी बताई हुई विधि से जो कोई भी करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कोई जितना दान करता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर, घर में विधि अनुसार करें। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि बताकर, फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वे इस लोक के समस्त सुखों को प्राप्त कर मरने के बाद मोक्ष को पाते हैं।
हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य तुम्हें मैंने सुनाया। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के साथ रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा करी, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का विधान और महात्म्य आपने मुझे सुनाया। हे प्रभो, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है, इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान पाया है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, जो कोई भी मनुष्य माँ भगवती के इस महात्म्य को सुनता है, वह संपूर्ण सिद्धियों से युक्त होकर इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद विष्णु लोक को पाता है। एक बार एक नगरी में एक बनिया परिवार था। उसे एक बहुत सुशील लड़की थी जिसका नाम दमयंती था। जब दमयंती 7 वर्ष की थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का व्यवहार दमयंती के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह उसे खाने में रूखा सूखा देती थी, लेकिन दमयंती इसकी शिकायत किसी से नहीं करती थी। उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया। वो हलवा पूड़ी के लिए भी तरसने लगी थी। नवरात्रि के दिनों का इंतजार करने लगी, क्योंकि कन्या पूजन में अच्छा अच्छा खाना मिलता था। तब वह जब भी नवरात्रि आती तो वह माँ दुर्गा से प्रार्थना करती कि हे माँ, आप जल्दी जल्दी आया करो, आपकी वजह से मुझे अच्छा खाना मिलता है। आप सबकी माँ हो, दयावान हो व कृपालु हो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं बड़ी होकर मेरी जैसी बच्चियों को खाना खिला सकूं, मुझे इतना सक्षम बना दो माँ। उसी समय नारद जी आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर देख रहे थे। नारद जी को दमयंती पर बड़ी दया आ गई। नारद जी माँ दुर्गा के पास गए, प्रणाम किया और दमयंती का उद्धार किस प्रकार हो इसका उपाय पूछा। तब माँ दुर्गा ने कहा कि हे नारद जी, अगर दमयंती या उसके माता पिता नवरात्रि का व्रत करें, 9 दिन का व्रत कर सकें तो अच्छा है, अगर नहीं कर सकें तो दुर्गाष्टमी का व्रत व पूजन करें तो उनका उद्धार हो सकता है। तभी नारद जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और दमयंती के घर भिक्षा मांगने पहुँचे। दरवाजे पर आवाज़ लगाई, माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही, लेकिन अंदर से दमयंती की सौतेली माँ बोली, जाओ भागो यहाँ से, कुछ भी नहीं है, चले आते हैं यहाँ पर। तभी दमयंती अपनी माँ से छिपती छिपाती दरवाजे पर आई। आते ही ब्राह्मण रूप में नारद जी को चरण स्पर्श किया और अपनी माँ की गलती की माफ़ी मांगी। तब ब्राह्मण रूप में नारद जी बोले, बेटा मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हें एक समाचार देने के लिए। दमयंती बहुत खुश हुई, पूछने लगी, मेरी माँ कैसी है, क्या समाचार है, जल्दी से बताओ। नारद जी बोले, बेटा तुम्हारी माँ ने कहा है कि अगर तुम 9 दिन नवरात्रि के व्रत और पूजन कर सको तो जरूर करो, और अगर 9 दिन व्रत ना कर सको तो दुर्गाष्टमी के दिन पूजन व व्रत करना, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी ने दमयंती को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब दमयंती ने शारदीय नवरात्रि आने पर पूरे 9 दिन के उपवास किए, पूरे 9 दिन व्रत रखे और पूजन की। वो मंदिर में जाकर पूजन करने लगी। अपनी सौतेली माँ व अपने पिता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया, जिस वजह से जब दमयंती बड़ी हुई तो दमयंती का विवाह एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ। वहाँ पर वो सेठानी कहलाने लगी। ससुराल जाने के बाद दमयंती हर नवरात्रि की को धूमधाम से पूजा करती, व्रत करती और पूरे नगर में कुंवारी कन्याओं को भोग खिलाती, बढ़िया बढ़िया उपहार देती, दक्षिणा देती और इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुई। एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती को अकेला देखकर पहुँच गए। नारद जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछी। माँ पार्वती ने कहा कि नारद जी, आपका यहाँ आने का क्या कारण है, बताइए। तब नारद जी ने कहा, माते, बाबा शिव कहाँ हैं? लगता है उन्हें आपकी चिंता नहीं है, उन्होंने आपसे बहुत सी बातें छिपाई है।
माँ पार्वती ने कहा, कौन सी बातें? तब नारद मुनि बोले, क्या उन्होंने आपको बताया कि वो कैलाश पर्वत पर ही क्यों निवास करते हैं? तो माता पार्वती हंसकर बोली, हाँ बताया है। नारद मुनि बोले, अच्छा तो क्या उन्होंने आपको बताया कि वो अपने अंग पर भभूति क्यों लगाते हैं? तो माँ पार्वती ने कहा, हाँ ये भी मुझे बताया है। तब नारद मुनि बोले कि फिर उन्होंने आपको यह नहीं बताया होगा कि वो अपने गले में 108 मुंडों की माला क्यों हमेशा पहने रहते हैं? क्यों उन मुंडों की माला को वो अपने आप से दूर नहीं करते हैं? अब की बार माँ पार्वती ने कहा, हाँ उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब नारद मुनि का काम बन गया, उनका काम आग लगाने का था, सो उन्होंने लगा दी और वो नारायण 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 करते हुए निकल गए। रास्ते में महादेव जी ने नारद मुनि को कैलाश पर्वत की ओर से आते हुए देखा। महादेव जी समझ गए कि जरूर नारद मुनि कुछ न कुछ गड़बड़ करके आए होंगे। नारद मुनि ने बाबा महादेव जी को प्रणाम किया। तब महादेव जी ने पूछा, अरे नारद जी, आप कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ? तब नारद जी बोले, कुछ नहीं, माता पार्वती जी की कुशल क्षेम पूछने गया था, वो मैंने पूछ ली और कुछ नहीं। महादेव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। माँ पार्वती गुस्से में कोप में बैठी थी। महादेव जी ने पूछा, प्रिय पार्वती जी क्या हुआ? माता पार्वती बोली कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, आप मुझसे बहुत सी बातें छिपाते हैं, आपने मुझे बताया नहीं, आप इन मुंडों की माला को हमेशा गले में क्यों धारण किए हुए रहते हैं? आपको ये मुंड माला मुझसे भी ज़्यादा प्रिय है। तब महादेव जी ने कहा, नहीं प्रिय पार्वती, ऐसी बात नहीं है, जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही यह मुंडों की माला भी मुझे बहुत प्रिय है। तब माता पार्वती ने कहा कि आज तो आपको मुझे बताना ही होगा कि इन मुंडों की मालों का क्या रहस्य है। तब शिव जी ने कहा कि प्रिय, तुम अगर नहीं पूछो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो तुम्हें दुख होगा। लेकिन पार्वती जिद पर अड़ गई, तब शिव जी को बताना ही पड़ा। प्रिय, तुमने 108 बार जन्म लिया और 108 बार ही तुम मर गई थी, तो जहाँ भी तुम्हारा ये मुंड गिरा हुआ मिला, ये मुंड मैंने उठा लिया और माला बनाकर गले में पहन लिया। तुम मुझे बहुत प्रिय थी, तुम्हें मैं अपने आप से दूर नहीं रख सकता था, इसीलिए तुम्हारे हर जन्म की निशानी मैं अपने गले में लटकाए फिरता हूँ। तब माँ पार्वती जी बहुत शर्मिंदा हुई। माँ पार्वती ने कहा कि मैं हर जन्म में मर जाती थी और आप हर जन्म में ही जिंदा रहते थे, तो मैं इस बार मरना नहीं चाहती, मैं अमर रहना चाहती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए माँ पार्वती दुर्गा के रूप में हमेशा अमर हो गई और हर नवरात्रि में वो महागौरी के रूप में पूजी जाती है। तो पहली कथा तो हमारी यह है। और दूसरी कथा है कि माता पार्वती ने पति रूप में शिवजी को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी माँ बहुत दुखी और आहत हो गई और तपस्या करने में लीन हो गई। इस प्रकार कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई तो उनको ढूंढते ढूंढते भगवान वहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने देखा कि माता पार्वती जी कठोर तपस्या में बैठी हुई है, तो भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था, उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत थी, फूल के समान धवल थी। उनके वस्त्र आभूषण से वो प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें देवी उमा का गौर वर्ण प्रदान किया, इसीलिए उसे हम माँ गौरी के रूप में जानते हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और शरीर में गंगा जल के छींटे दिए, तो वह अत्यंत गौर वर्ण में हो गई, इसीलिए उनका नाम गौरी पड़ा और महागौरी के रूप में हम उन्हें हर नवरात्रि पे पूजा करते हैं। और इसीलिए ऋषिगण भी कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद्य साधिके शरण्यम अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और एक अलग कथा है जिसके अंदर कहा जाता है कि महागौरी जो पार्वती जी थी वो एक कथा तपस्या में लीन थी। तो एक सिंह बहुत भूखा था, जब वो भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था तो उन्होंने देवी उमा को तपस्या करते हुए देखा। देवी को देखकर सिंह की भूख और ज़्यादा बढ़ गई,
परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते रहा और वहीं बैठा रहा। कई वर्षों तक वह इसी तरह बैठा रहा। जब देवी माँ उठी तो उन्होंने अपने सामने सिंह को बैठे देखा तो उन्हें उस पर बहुत दया आई और उन्होंने उसे अपनी सवारी बना लिया। कहा जाता है कि देवी कवच और दुर्गा कवच को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। दुर्गा कवच और देवी कवच को सुनने से मनुष्य कभी भी पराजित नहीं होता। अगर प्रतिदिन दुर्गा कवच और देवी कवच को सुना जाए तो मनुष्य की आयु, यश, बुद्धि, बल और ऐश्वर्य बढ़ता है। भगवती के कवच का जाप करने से मनुष्य निरोगी रहता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमेशा बना रहता है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर ढकने के लिए वस्त्र पहनता है तो दुर्गा कवच और देवी कवच भी ठीक उसी प्रकार एक कवच का कार्य करता है, एक वस्त्र का कार्य करता है, मनुष्य को हमेशा बुरी आत्माओं और बुरी चीज़ों से बचाता है। तो आज मैं आपको दुर्गा कवच और देवी कवच का भावार्थ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मार्कंडेय जी ने कहा कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और अब तक आपने दूसरे किसी के सामने इसे प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, आप इसे श्रवण करें। भगवती का प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप कुष्मांडा, पांचवा स्वरूप स्कंद माता, छठा स्वरूप कात्यायनी, सातवां स्वरूप कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी और नवा स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा सब प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उसका कोई भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवारी करती है, ऐंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ को अपना आसन बनाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार वे सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण किए रहती हैं। देवताओं के शरीर का नाश करना, भक्तों को अवैध दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी तरफ देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंद्री मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें।
ब्रह्माणी तुम ऊपर गगन की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी तुम नीचे जमीन की ओर से मेरी रक्षा करो। शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया सामने से और विजया पीछे की ओर से रक्षा करो। वाम भाग में अजिता दक्षिण भाग में अपराजिता हमारी रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करें। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका की देवी सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ की देवी अमृतकला तथा जीवा की रक्षा सरस्वती करें। कुमारी देवी मेरे दांतों की चंडिका देवी कंठ की रक्षा करें। चित्रघंटा देवी गले की घंटी और देवी महामाया तालु में रहकर हमारी रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की सर्व मंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग के नीलग्रीवा और कंठ के नली की रक्षा नलकोबरी करे। दोनों कंधों की रक्षा खडंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी उंगलियों की रक्षा अंबिका करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की रक्षा करे। नाभि की देवी कामिनी गुहाभाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंगी दोनों घट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलों की रक्षा करे। अपने ढांडों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की, उर्दुकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम बलियों की छिद्रों की देवी कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख में तेज की देवी ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। हे ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तेश्वरी देवी छाया की धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान ध्यान उदान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन तीनों विषयों का अनुभव करते समय माँ योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ के सुपथा तथा मार्ग की शेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा ही सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जब भी जहां जाता है वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त होती है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ
इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जड़ंग विष, अहिफन तेल के संयोग वाले से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मंत्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होते हैं। अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यज्ञ, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टिकारक देवता भी हृदय में कवच धारण के रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करता है और उत्तम होता है। कवच का पाठ करने वाले पुरुष को अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि प्राप्त होती है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशति चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, काननों सहित या पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र और संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकारिणी, नमो नमो अम्बे दुखहरिणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उचियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहाए, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति मैं कीना, पालन हेतु अनधन देना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, लले काल सब नाशन हारी, तुम गोरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि न उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणा कुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाई, शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला, नाग कोटि में तुम्ही विराजत, तिहू लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भई बहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी ओरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्याय तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तपकीनो, काम अरु क्रोध जीती सबलीनो, निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो, शरणागत हुई कीर्ति भखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, बही प्रसन्न आदि जगदम्ब,
दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति गेरो तुम बिन कोन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी सुमरो एक चित्त तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जिया दया फल पाऊं तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो नरगावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने करु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक मैं आया तेरी शरण में मातु दीजिए अंक। विंदेश्वरी चालीसा। नमो नमो विंदेश्वरी नमो नमो जगदम्ब संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहनी जय जग माता जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारणी जय जग देवी जय जय संत असुर सुर देवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी शेष सहस मुख वर्णत हारी। दीनन के दुख हरत भवानी नहीं देखियो तुम सम कोई दानी। सब कर मनसा पूर्वत माता महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुमरो लावे सो तुरत ही वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी तू ही रुद्राणी तू ही शारदा अरु ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली तू ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला बेगी मोही पर होई दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी तू ही शीतला अरु विज्ञानी। दुर्गा दुर्ग विनाशनी माता तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता। तू ही जानवी अरु उत्तराणी हेमावती अम्ब निर्वाणी। अष्टभुजी वाराहिनी देवा करत विष्णु शिव जाकर सेवा। चौसठ देवी कल्याणी गोरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी भद्र काली सुन विनय हमारी। वज्र धारणी शोक नाशनी आयु रक्षिणी विंध्यावासिनी। जया और विजया वेताली मात संकटी अरु विकराली। नाम अनंत तुम्हार भवानी भरने किमी मानुष अज्ञानी। जा पर कृपा मात तब होई तो वह करे चहे मन जोई। कृपा करो मो पर महारानी सिद्ध करिए अब यह मम बानी। जो नर धरे मात कर ध्याना ताकर सदा होई कल्याणा। विपति ताही सपने ही नहीं आवे जो देवी का जाप करावे। जो नर कहे ऋण होई हमारा सो नर पाठ करे शतबारा। निश्चय ऋण मोचन होई जाई जो नर पाठ करे मन माई। स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे या जग में सो अति सुख पावे। जा को व्याधि सतावे भाई जाप करत सब दुख पराई। जो नर अति बंधी में होई बार हजार पाठ कर सोई। निश्चय बंदी ते छुट जावे सत्य वचन मम मानहु भाई। जा पर जो कटु संकट होई निश्चय देव ही सुमरे सोई। जा कहे पुत्र होई नहीं भाई सो नरिया विधि कर उपाई। पांच वर्ष सो पाठ करावे नोरा तन में विप्र चिमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी पुत्र देही ता कहे गुण खानी। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे। नित्य प्रति पाठ करे मन लाई प्रेम सहित नहीं आन उपाई। यह श्री विंध्या चल चालीसा रंग पड़त होवे अवनीसा। यह जनि अचरज मानो भाई कृपा दृष्टि जा पर हुई जाई। जय 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 जग मातु भवानी कृपा करो मुही पर जन जानी। विंदेश्वरी श्रोत। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खांडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासनी भजामि विंध्यवासिनी। दारिद्र दुख हारिणी सुता विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी। लसत सुलाल लोचनम लतासनम वरम प्रदम कृपाल शूल धारणी भजामि विंध्यवासिनी। करो मुदा गदाधरी शिवा शिव प्रदायिनी वरा वरा नना शुभाम भजामि विंध्यवासिनी। ऋषिन्द्र जामिनी प्रदम त्रिदास्य रूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविताम सुरारी वंश खंडिताम विशुद्ध बुद्धि कारिणी भजामि विंध्यवासिनी। आरती श्री दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम को निस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी
कनक समान कले वर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी केहरी वाहन राजत खड़क खबरदारी मैया खड़क खबरदारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित ना सांग्रे मोती मैया ना सांग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ विदारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंद मुंड संघारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के टप दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गावत नैत करत भेरू मैया नैत करत भेरू बाजत ताल मृदंग अर बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा चार अति शोभित वर मुद्रा धारी मैया वर मुद्रा धारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे मैया जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी। आरती श्री देवी जी की। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे का परवाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सो सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुख को निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे का परवाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता सब पर करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख को निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे का परवाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगते तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत को संवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती श्री विंदेश्वरी देवी जी की। सुन मेरी देवी परतवासिनी तेरा पार न पाया पान सुपारी तजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाया
सुन मेरी देवी परतवासिनी तेरा पारण पाया, पान सुपारी धजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाया, सुवा चोली तेरे अंग विराजे के सर तिलक लगाया, नंगे पांव तेरे अकबर जाकर सोने का छत्र चढ़ाया। सुन मेरी देवी परतवासिनी तेरा पारण पाया, पान सुपारी धजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाया, ऊंचे ऊंचे पर्वत बना देवालय नीचे शहर बसाया, सतयुग त्रेता द्वापर मध्य कलयुग राज कराया। सुन मेरी देवी परतवासिनी तेरा पारण पाया, पान सुपारी धजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाया, धूप दीप नैवेद्य आरती मोहन भोग लगाया, ध्यान धरू मैं तेरा मैया मनवांचित फल पाया, धूप दीप नैवेद्य आरती मोहन भोग लगाया, ध्यान धरू मैं तेरा मैया मनवांचित फल पाया। सुन मेरी देवी परतवासिनी तेरा पारण पाया, पान सुपारी धजा नारियल तेरी भेंट चढ़ाया। जहो माँ दुर्गा की। धन्यवाद। इस प्रकार आज मैंने आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।